ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में इम्यूनिटी के अंदर कुछ टर्म पढ़ रहे थे, जैसे एंटीजन एंटीजन समझे थे पिछले वीडियो में। अभी हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। एंटीजन का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स तो दो तरह के होते हैं, एक होता है एग्जोजिनस और दूसरा होता है एंडोजिनस। तो एग्जोजिनस समझने के लिए जैसे समझिए, ये देखिए ये हो गया हमारा टिश्यू, ओके। टिश्यू के अंदर ये हो गया सेल, ओके। ये आपको पता होगा कि टिश्यू किससे मिलकर बना होता है, सेल से मिलकर बना होता है, ओके, ए ग्रुप ऑफ सेल। तो यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, हमारे सेल के टिश्यू के अंदर बैक्टीरिया आ गया, ओके। तो बैक्टीरिया अपने आप में एक कैसा सेल है, प्रो कैरियोटिक सेल है। बैक्टीरिया अपने आप में प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसमें बेसिक सेलुलर सेल का फंक्शन करने के लिए इसमें क्षमता है। यो किसी अंदर अपने मल्टी अपनी संख्या बढ़ाने के लिए किसी सेल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ये खुद मतलब इस सेल में जाने की इसको जरूरत नहीं है, खुद अपने आप में ये सेल ग्रो कर जाएगा। तो फिर आप बोलिएगा कि सर तो फिर इसको आने की जरूरत क्या पड़ी, ऐसा क्यों आया? क्योंकि इसको पहली बात की इसको स्पेस मिल रहा है। क्या मिल रहा है? स्पेस मिल रहा है, ध्यान सुनिएगा। और इसको सुटेबल इन्वायरमेंट मिल रहा है, जिस इन्वायरमेंट में अच्छे से ये ग्रो करता है, अपनी जनसंख्या को अच्छे से वृद्धि करता है, उसको सुटेबल इन्वायरमेंट मिल रहा है, ओके। सुटेबल इन्वायरमेंट मिल रहा है और उसके बाद इसको न्यूट्रिशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मिलेगा चाहे लाख सुटेबल इन्वायरमेंट हो, मतलब अच्छा वातावरण हो, लेकिन अगर उसको न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा है तो फिर कैसे ग्रो करेगा? तो ये सब इसको ग्रो मिलता है यहाँ पे सेल के, दो सेल के बीच में, इसीलिए यहाँ पे आ जाता है। जैसे ही ये मल्टीप्लाई किया, अपना नंबर कॉलोनी बढ़ाने लगा, आशियाना बढ़ाने लगा, तो टिश्यू को दिक्कत हो गया, टिश्यू डैमेज होने लगा। जैसे आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई नया व्यक्ति, जैसे गाँव है मान लीजिए, सपोज दैट गाँव है, नया व्यक्ति आकर यहाँ पे अपना घर बढ़ाने लगा, जनसंख्या बढ़ाने लगा, तो जो वहाँ के लोग हैं लोकल, उनको तो दिक्कत होगा ना। तो इसी तरह से यहाँ भी वही होता है, टिश्यू क्या हो जाता है, डैमेज। डैमेज होगा तो क्या होगा, पैथोजन होगा, पैथोजन होगा ना, वही तो लाएगा एंटीजन। एंटीजन कैसे लाएगा? पैथोजन का मॉलिक्यूल कंपोनेंट, जैसे बैक्टीरिया है तो उसके, जैसे बैक्टीरिया ये हो गया मान लीजिए, इस पे कॉम्पोनेंट होते हैं ना, मॉलिक्यूल कॉम्पोनेंट, जो पॉलीपेप्टाइड से बना होगा या और चीज़ से बना होगा, जो सेलुलर कॉम्पोनेंट होता है, पॉलीपेप्टाइड लिपिड इससे बना होगा, उसी को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल कॉम्पोनेंट को बोलिए बोलिए एंटीजन बोलते हैं, ओके। तो इसलिए एग्जोजिनस क्यों है, क्योंकि वो बाहर से आया है और किसी ये सेल के जाने की अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ये खुद प्रोड्यूस कर रहा है अपना नंबर, एंटीजन खुद बढ़ा रहा है, इसीलिए इसको एग्जोजिनस बोलेंगे, ओके। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बैक्टीरियल एंटीजन। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है? अभी हम लोग बढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं एंडोजिनस। अगर हम लोग को एग्जोजिनस का डिफिनेशन देना होगा तो कैसे लिखेंगे, नॉट प्रोड्यूस्ड बाई आवर बॉडी सेल, मतलब हमारे बॉडी सेल के द्वारा प्रोड्यूस नहीं किया गया, क्योंकि आपने देखा कि बैक्टीरिया खुद अपने आप में प्रोड्यूस कर रहा था, इसीलिए उसको एंडोजिनस बोला गया, ओके। तो एंडोजिनस समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये इसमें वायरस का एग्जांपल लेंगे, ये हमारा टिश्यू हो गया, ओके। टिश्यू के अंदर ये सेल हो गया, ओके, और यहाँ पे आ गया
वायरस, कौन आ गया? वायरस। ओके, तो बैक्टीरिया वायरस सबसे पहले, ये तो हमारा बॉडी प्रोड्यूस नहीं किया, ये बाहर से लाया, तो इनिशियली कैसा होगा? एग्जोजिनस होगा। लाया एंटीजन, क्योंकि वायरस आपको पता होना चाहिए कि वायरस जो कोट होता है, जो बाहरी होता है, वो किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है, जो इसको बोलते हैं कैप्सिड। ये किससे बना होता है? प्रोटीन से। ओके, प्रोटीन से बना होता है, और अंदर इसके आरएनए और डीएनए जेनेटिक मटेरियल होते हैं। जैसे आप आया, तो इसके पास खुद का सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, अगर मल्टीप्लाई करना होगा तो किसी पे डिपेंडेंट है, किसी पे निर्भर है, तो ये क्या करेगा? अपना जो जेनेटिक मटेरियल है किसको ट्रांसफर करेगा? सेल को। तो सेल को पहले क्या करेगा, ये बेसिक सेलुलर फंक्शन को हाईजेक कर लेगा। जैसे आपने कभी प्लेन का हाईजेक देखा है, वो अपने बस में कर लेता, जो जो चाहेगा वो करेगा ये काम सेल। तो क्या करेगा, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेल के अंदर डाल देगा। तो उससे क्या होगा, अब बोलेगा कि वायरस प्रोटीन एंटीजन बनाओ। ओके, एंटीजन ग्रुप ग्रो करने लगेगा, तो इसीलिए इसको बोलेंगे, शुरुआत में एग्जोजिनस रहेगा लेकिन फिर हमारा बॉडी सेल बनाएगा, इसलिए इसको बोलेंगे, जब स्टेब्लिश हो जाएगा, सेल के अंदर चला जाएगा, तब बनाएगा एंडोजीनस। तो अगर एंडोजीनस का डिफिनेशन देना होगा तो क्या देंगे एंडोजीनस के लिए, क्या देंगे? नॉन सेल्फ। नॉन सेल्फ क्यों बोल रहे हैं, पहले समझते हैं सेल्फ और नॉन सेल्फ होता क्या है। एंटीजन और दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ और नॉन सेल्फ। यहां देख लेते हैं हम लोग, सेल्फ और नॉन सेल्फ। जैसे हमारा बॉडी हो गया, तो हमारे बॉडी भी, बॉडी के सेल भी तो सेलुलर कंपोनेंट से बने होंगे ना, उस पे भी तो मॉलिक्यूलर कंपोनेंट होंगे कि नहीं, क्योंकि वो भी तो बना होगा ना, लिपिड से बना होगा, प्रोटीन से बना होगा, पॉलीपेप्टाइड से बना होगा, तो ये भी तो कंपोनेंट है, लेकिन इससे खिलाफ तो कभी एंटीबॉडी नहीं बनता है। तो ये हो गया सेल्फ। और नॉन सेल्फ क्या हो गया, जो बाहर से आया पैथोजन, उसके खिलाफ अगर एंटीबॉडी बन रहा है तो वो हो गया नॉन सेल्फ। तो जब भी बनेगा किसी खिलाफ, हमारे बॉडी सेल, इम्यूनिटी सेल, वो दूसरे खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा, तो उसको बोलेंगे नॉन सेल्फ। तो एंडोजेनस में क्या बोलेंगे, नॉन सेल्फ एंटीजन। क्या बोलेंगे, ध्यान सुन लीजिए, नॉन सेल्फ एंटीजन प्रोड्यूस बाय बॉडी सेल, क्योंकि यहाँ पे बॉडी सेल प्रोड्यूस कर रहा है ना, क्योंकि स्टार्टिंग है तो बाहर से आएगा, लेकिन फिर हमारा बॉडी सेल को हाईजेक कर लेगा, उसके बाद बनेगा। ओके, थैंक यू।